आप सभी से मेरा नमस्ते। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे सामने ये महिला हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत रो रही थी अभी, और ये बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह पूछेंगे। देखिए कितना रो रही हैं और कितना परेशान हैं। इनकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं और बहुत देर से ये रो रही हैं। ये अपने पति से इस कदर परेशान हो गई हैं, देखिए आंसू ही बता रहे हैं कितनी परेशान हैं। हम इनकी परेशानी की वजह जानेंगे और पूछेंगे ये क्या चाहती हैं, पति से क्या चाहती हैं जो परेशान इनको कर रहा है। और इनका कहना है पति से जान का भी खतरा है। इनका ये भी कहना है कि पति से जान का भी खतरा है। मैडम, क्या नाम है आपका? रेनू कहाँ रहती हैं आप? NIT फरीदाबाद में 2 नंबर। अभी क्या दिक्कत हो गई, आप इतना रो रही हैं? सर जी, मैं अपने पति से 3 साल से दूर रह रही थी। 3 साल के बाद अचानक आता है यहाँ पे, मारने पीटने की धमकी देता है। तो 2 दिन पहले इसने ईंट उठाई है मेरे को मारने के लिए। इसको मेरे को बहुत मेरी जान का खतरा है इससे। नहीं, आप दूर क्यों रहते हो? दूर इसीलिए, गांव में रहती हूँ तो अप्लाइज लगाता है, उल्टे सीधे किसी से बात नहीं करने देता। अगर किसी से बात करूँ तो बोलता है तू गलत है। तो 3 साल पहले मेरे ससुर गुजरे थे, जब उस टाइम मैं गांव में गई थी तो इसकी सास ने भी मार के भगाया था मेरे को। और बेटा इन्होंने मेरा अपने पास रख रखा आपका है। बच्चा भी है? हाँ, एक बेटा है, कितने साल का है? 10 साल का हो जाएगा 1 अक्टूबर को। तो तो उसका गांव में ही है। कहाँ गांव है आपका, मायका जिला कहाँ पर? जिला मैनपुरी है। मैनपुरी में मेरा मायका है, गिरोर के रहने वाले मेरे ससुराल वाले, गांव उनका लपकमा है। इसकी पहली भी शादी हुई है तो पहली पत्नी भी इसकी मर चुकी है, सुसाइड किया उसने। उसको भी ऐसे ही ये अप्लाइज आपकी लगाते पहली थे। शादी थी या दूसरी? मेरी भी दूसरी है सर, मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हुई थी। उस टाइम मेरे को इतनी समझ नहीं थी। 6 महीने रही हूँ ससुराल में। 6 महीने के बाद मेरी जो बुआ है सगी, उन्होंने शादी करवाई है इसके साथ मेरी। उन्होंने क्या नाम है पैसे, पति महोदय का? राम नरेश और बंटू के नाम से गांव में जानते हैं सब। अच्छा। तो सर यहाँ भी आके मारने पीटने की धमकी दे रहा है। अभी भी गेट पे बैठ के कह रहा है मैं जान से मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा। मुझे भी खतरा है, मेरे माँ बाप को भी खतरा है। कितना साल पहले शादी हुई इससे? मेरी हो गए हैं सन 2011 में हुई है शायद। यानी काफी पुरानी शादी है। हाँ, तो अच्छा, जब से तो शादी आप हुई इससे है अलग क्यों हो गए? क्या दिक्कत हो गई कि अलग आप रहना शुरू कर दिए फरीदाबाद सर में? जी, जब मुझे कहीं बैठने उठने लायक नहीं छोड़ा तो मैं क्या इसके साथ रहूं, क्या आदमी है क्या ये। आरोप लगाता है आप पे? हमेशा यही कहता, तू आज उसके साथ है, तू आज उसके साथ है। कभी कहता तू रंडी है, तू धंधा करती है। ठीक है सर जी, अब मैं ये कह रही हूँ, मैं 3 साल से दूर रह रही हूँ। बंदा गलत नहीं होता फिर भी गलत लाइन में चला जाता है, घर से दुखी हो जाता। मैं पहले बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी दे रही थी इसको, तो इसने बच्चा पढ़ाया। जब से मैंने खर्चा देना बंद कर दिया, 1 साल से बेटा मेरा घर बैठा हुआ है। मैंने गांव से पता किया तो टीचर कह रहे हैं स्कूल से निकाल दिया बच्चे को। सर एक बच्चा उसकी, वो भविष्य खराब कर रहा है ये। मैंने यही बात उस दिन कही, मैंने कहा तेरी तो औकात नहीं, बच्चा भी पढ़ा ले। तो कह रहा मेरे पास नहीं है, तेरे पास ज्यादा है, तू पढ़ा जाके। और बेटे को भी मेरे खतरा है इससे, बेटा मांग लो इससे। बेटा दे ही नहीं रही है। लोग ये सोचते हैं कि ये बेटे की वजह से बार बार आएगी, हम इसको डराते धमकाते रहेंगे, पैसे मांगते रहेंगे। अच्छा, आपसे पैसे चाहते हैं कि आप जो पैसे कमा रहे हो काम वाम करके, वो पैसे देते रहो तो खुश सर रहेंगे इसका आप? पूरा प्रूफ है, मैंने पूरी पूरी तनख्वाह इसको दी है। जहां जहां मैंने ड्यूटी की है वो मालिक खुद कह देंगे, ये तनख्वाह के टाइम पे वहां पहुंच जाता था। ये कुछ दो करता है कि नहीं? पहले यही जॉब करता था, अब अपने भाई के कहने पे गांव भाग गया है। अच्छा, अपने पति की फोटो वगैरह है दिखाएंगे? और अभी आज जो बैठा था घूर रहा था आपको, वो भी दिखा देते हैं। वही फोटो है नॉर्मल सी हाँ, मेरे पास। और ये देखो कितनी गंदी नजर से देख रहा है। ये दिखाइए ये फोटो। ये पति हैं इनके, क्या नाम? राम नरेश। राम नरेश और बंटू, ये आपको घूर रहा था, ये देख हाँ, रहा था कहाँ है कहाँ नहीं है? खुलेआम धमकी दे रहा है कि डिवोर्स भी हो जाएगा फिर भी मैं मरवा दूंगा। अच्छा, आपको मरवा देगा? हाँ, मेरे पापा जैसे छोटा एक होटल है गांव में, तो मेरे ताऊ जी के साथ में कर रहे हैं। तो एक बार इसने उनके पीछे बंदे भी लगाए, उनके कान के ऊपर राइफल रख अच्छा, ये दिया है। सुधर जाता है, आपको मारना पीटना इल्जाम लगाना छोड़ देता है, तो इसके साथ फिर से रहना चाहो? हाँ सर जी, जैसे ये कहेगा मैं रहने लग जाऊंगी, लेकिन गांव में नहीं रहूंगी क्योंकि गांव में इसकी एक घरवाली मर चुकी है। गांव के सब कह रहे हैं बेटा तू यहाँ नहीं रह पाएगी, ये मार देगा। इसने एक बार मेरे ऊपर
मिट्टी का तेल भी डाला है, 5 लीटर इकट्ठी थी। कई लोगों ने देखा है, ये नहीं कि मैंने अकेले, मेरी बुआ सास भी थी, लेकिन कहते हैं ना इनके परिवार की, इनकी साइड लेते हैं बचाने के लिए। तो उस मिट्टी का तेल पूरा डाल दिया था, पूरा डाल दिया था, माचिस लेके ऊपर खड़ा हुआ था। तो मेरी ननद छोटी उस टाइम तो उसने मेरी हेल्प की थी, वो मेरे ऊपर गिर गई, तो उस टाइम इसने बचा लिया। ठीक है, मैं सर जी ये कहती हूँ, चल मैं गलत हूँ, ठीक है, अगर तू डिवोर्स लेना चाहता तो बेटा मेरे पास छोड़ दे, डिवोर्स दे देती हूँ, मेरे आगे कौन सारा, मैं शादी तो कर नहीं सकती हूँ दोबारा। मैं ये कहती हूँ, मैं धंधा भी करती हूँ, चल कुछ नहीं, मैं सब करती हूँ, मैं सीधा कह रही हूँ, लेकिन तू मेरे को मेरा बच्चा दे दे, मेरा पीछा छोड़ दे, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है जो तू जान से मारना चाह रहा है मेरे को। कम से कम उस बच्चे के बारे में भी नहीं सोच रहा, ये सिर्फ माँ के भाई के कहने में चल रहा है। अच्छा, अब मैं 3 साल से यहाँ अकेली रह रही हूँ, मेरे पूरे पैर गले पड़े हैं, मैं अपना इलाज भी करा रही हूँ, मेरे पेट में दर्द बंद नहीं हो रहा, पथरी है, पता नहीं क्या है, ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने। तो मैं इसलिए छोटा कमरा वही लिया जहाँ इसके साथ रहती थी। वो मकान मालिक भी कह रही है, अगर लड़की गलत होती तो यहाँ कमरा नहीं लेती वो तेरे पास में आके, सारा मोहल्ला मेरी साइड ले रहा, लेकिन ये किसी की नहीं मानता, ये सिर्फ यही कहता कि ये कमाती तो पैसा मेरे को दे, अभी इसको मैं 50,000 रुपए दे दूं, चाहे मैं धंधा करके दूं, कुछ भी करके दूं, ये मेरी साइड लेने लग जाएगा, ये सिर्फ पैसों का भूखा है, शुरू से उसने मेरी कमाई खाई है। तो मारता पीटता भी है बहुत ज्यादा, 2 बार तो मेरा हाथ फ्रैक्चर कर चुका है, और इतनी बुरी तरह से मारता है, यहाँ भी पूरा मोहल्ले ने देखा मेरे को पीटता था। मैं तो सब यहाँ एक काम करता था, कहीं पहले यही काम करता था, जब से मैं यहाँ रहने लगी हूँ तो इसके भाई ने कह कह के इसको गांव भगा दिया कि तू गांव में रह, जब ये गांव में रहेगी, इसका भाई भी यही चाहता है कि इसे मार देगा या घर से निकाल देगा तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। इसके गांव में जैसे एक मकान भी है और जमीन भी है थोड़ी बहुत, तो सर जी एक बार तो चलो मैं छोड़ दूंगी पीछा, मैं डिवोर्स देने के लिए मना नहीं कर रही, बस मेरा बच्चा मेरे पास आना चाहिए, मेरा यही कह रही हूँ मैं। बच्चे से अभी भी प्यार करते हो? बच्चा माँ कैसी हो, लेकिन अपना बच्चा कौन छोड़ देगा। क्या नाम है बच्चे? दिव्यांश, वैसे सोम प्रताप है उसका नाम, वैसे हम लाड में दिव्यांश कहते हैं उसको। कौन सी क्लास में? पहले तो नर्सरी में ही था। आप बच्चे से कभी बातचीत होती है? नहीं करने देता, अगर मैं बच्चे से ही बात करती हूँ तो उसको गालियाँ सिखाता है गंदी गंदी, क्या इसको ऐसे बोलिए, रंडी है ये, फलाने को रखती है, ठिकाने को रखती है, बच्चे को भी इतनी गलत शिक्षा देता है ना सर जी, मैं ही जानती हूँ उसके बारे में। बच्चा भी आपसे गलत ही बात करता होगा, बच्चे को जो सिखाते होंगे कि तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी है, तो बच्चा भी इनको गलत ही हो सकता है समझता हो, लेकिन ये बच्चा आ जाएगा तो पढ़ाओगी लिखाओगी ना सही से। मैं अपना चाहे कुछ भी करूँ, मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं रखूंगी, बस मेरा यही है कि मेरा बेटा मुझे मिलना चाहिए। बहुत दुखी हैं, देखिए रो रही हैं, कितना रो रही हैं, इनके आंसू बता रहे हैं कि ये सच है, सच है, वरना इस तरह लोग रोते नहीं, अपनी भावनाओं को व्यक्त तो नहीं करते। सीधा कह रही हूँ, अगर ये मेरे को गलत कहता, अगर औरत को कोई इतना टॉर्चर करेगा, वो नहीं भी गलत होगी तो भी गलत लाइन में चली जाएगी। मैं कंपनी में जाके आप कोई भी जानकारी ले सकता है, मैं इसलिए पावर प्रेस चलाती हूँ, उसमें कोई भी पता नहीं होता कब हादसा हो जाए। आज मैं कंपनी में गई थी पैसे लेने, उन्होंने भी यही कहा, बेटा तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ ना सब, क्योंकि 3 साल से मैं एक ही कंपनी में रेगुलर काम कर रही हूँ। तो कल ये भी कह रहा, तू रंडी है, तू कंपनी में हाजिरी लगवा के और क्या नाम रंडी खाना करने जाती है। मैंने कहा मेरी मकान मालिक बोली कोई तेरा रिश्तेदार लग रहा जो हाजिरी लगवा के इसको निकलने देगा। झूठ ही बोलता है आपको, झूठे आरोप लगाता है, और ये ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रही है, कंपनी वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना, मदद तो कर रहे हैं ना। हाँ सर जी, अभी मालिक मेरा बहुत अच्छा है, चंद्रभान मालिक बहुत अच्छे हैं, ठेकेदार, और मालिक सपोर्ट जारी रखें, काम इनको दें अपने यहाँ, ताकि इनका पेट पलता रहे और जो भी बचत खुचत है वो जो है आगे इनके काम आएगी, अगर बच्चा मिल जाएगा। यही कहती हूँ, मुझे मेरा बेटा दिलवा दिया जाए, बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी जितने से जितनी हो वीडियो वायरल हो, ये मैं इससे दुखी, आगे आज तक मैंने चाहा नहीं कि इसकी बेइज्जती हो। इसके ताऊ जी रहते थे दिल्ली में, उनके अब दोनों लोगों की डेथ हो चुकी, उनका बेटा रह रहा है दिल्ली में, मैं तो कह रही हूँ उन तक मेरी खबर पहुंचे तो मेरी जरूर मदद करे, वो मेरे बहुत अच्छे जेठ जिठानी, मेरी बल्कि कोई मदद नहीं कर रहा, रिश्तेदार भी नहीं कर रहा, इनके सारे रिश्तेदारों से मैंने कहा है इसको समझा लो, लेकिन ये किसी के मानने को तैयार नहीं है। शराब वराब तो नहीं पीता ही? नहीं, ये आदमी, चलो देखो अगर ये आदमी सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, इनका घर बस जाएगा, जो फालतू का डाउट करता है वो डाउट करना छोड़ दे, इनके साथ फरीदाबाद में रहे, बच्चा भी ले आए,
अगर नहीं भी काम आएगा तो ये जो कमा रही हैं उससे काम चल जाएगा। सर जी, मैं शुरू से ये कहती हूँ मुझे तेरी कमाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक जगह से धोखा खा बैठी हूँ। मुझे कमाई नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा सुकून से रहे, उसे पढ़ाए लिखाए, मैं खुद खर्चा झेल लूंगी उसका। जैसे हुआ मैं झेल लूंगी, बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर फिर भी नहीं कोई मेरी मदद कर रहा, लास्ट टाइम मैं अपना सुसाइड करके मर ना ना, ऐसा जाऊंगी। कदम मत उठाना, बिल्कुल कदम नहीं उठाना है। आप अभी बहुत लाइफ लंबी है, आप आराम से अपना काम कीजिए। वो परेशान करे तो पुलिस में फ़ोन कर दीजिए, 112 पे पुलिस आएगी, उसको उठा कर ले जाएगी, ठीक है? सर जी, अगर मैं पुलिस की कहती हूँ तो कहता मैं तेरे घर वालों को जान से मरवा दूंगा। कोई नहीं, पुलिस वाले देख लेंगे, ठीक है? फरीदाबाद पुलिस वाले आपकी मदद ज़रूर करेंगे और उसको सबक सिखाएंगे जो आपको परेशान कर रहा है। रेनू जी हैं, बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। अब देखते हैं इसका पति समझता है कि नहीं। अगर पति समझ जाएगा, देखो कुछ कमियां होंगी उसमें, लेकिन अपनी कमी को पहचानना भी चाहिए, उस कमी को दूर कर ले। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं सब अपनी कमी मानती हूँ। कैसे भी तू सुधर जा, मैं तू अगर तेरे को फोन से ऐतराज है, मैं फोन भी रखना छोड़ दूंगी, सब छोड़ दूंगी। लेकिन मेरा बच्चा अगर तू गांव में भी रखना चाहे, मैं उस सास की जिंदगी नहीं खराब करना चाहती। अगर मैं यही सोचा शुरू से, अगर बच्चा इनके पास रहता, दोनों मियां बीवी खुश है तो रहे। बच्चा बच्चा करते मेरे ससुर जी भी चले गए, तो बेटा वो अपने साथ नहीं ले गए। अभी भी मेरे को सब कह रहे तू अपना बच्चा ले आ वहां से, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं ला रही सर जी, अगर मैं बच्चा ले आती हूँ तो ना जाने मेरी सास अटैक खा के मर जाए या कुछ भी हो जाए, तो भी मैं ही खराब बनूंगी ना। सही बात। अगर ये बच्चे को गांव में भी पढ़ाना चाहते मैं फुल खर्चा उठाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे की जिंदगी ना खराब करिए। बच्चे से बहुत प्यार है, इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हैं। ये चाहती हैं बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए। अगर माँ के बारे में उल्टा सीधा बोला जाए, ये लोग के पूछो मत, बच्चे को बोलते तेरी माँ ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो देख सकते हैं बच्चे को उल्टी सीधी शिक्षा दी जा रही है। बच्चे का भी फोटो है मेरे नहीं, पास। उसको रहने दो, उसको सही से रहने दो, उसकी फोटो मत दिखाइए। हम चाहते हैं इनकी मदद हो, इनका पति सुधर जाए, इनको परेशान करना छोड़ दे। और अगर परेशान करना छोड़ देता है, अब चाहे वो इनके पास रहे, अगर कोई डाउट है अगर वो क्लियर कर ले। क्या कोई किसी से दोस्ती है आपकी यहाँ फरीदाबाद में? नहीं सर जी, जो बात है मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी 2 साल पहले से कंपनी से ही जानकारी हुई है, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई किसी के साथ मेरा रीजन नहीं है। सिर्फ कंपनी में अगर कोई काम पड़ता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, किसी को भी कहती हूँ सर जी मेरा ये काम कर दो, तो मेरी कंपनी के बंदे अच्छे हैं, हेल्प कर देते हैं। बाई टाइम मेरे पास पैसा नहीं होता, कोई हारी बीमारी में बीमार ज्यादा रहती हूँ, सबको पता है, तो मैं उनको कहती हूँ सर जी मुझे पैसे दे दो, तो पैसे दे देते। अगर सर जी इसमें कोई गलत समझता तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकती। बस वो गलत ही समझता है। अच्छा एक चीज और है, इनको पथरी की बीमारी है। कोई डॉक्टर भाई जो मेरा फॉलोवर है, अगर ये इनकी बीमारी, सारे खराब हुए पड़े, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहती, इनकी तुम तो बीमारी अगर पैर ठीक कर सकते हो तो इनकी मदद कीजिए, जो भी खर्चा पानी होगा देंगी, ये पैर लेकिन मेरे सही से इनका हाँ। जब से दोनों पैर खराब है, पैर ठीक नहीं हो रहे मेरे। सही से ट्रीटमेंट भी इनको चाहिए। अगर एक बार ट्रीटमेंट हो जाएगा तो जो टाइम इनका ट्रीटमेंट में जा रहा है, वो टाइम ये काम करने में बिताएंगे, तो इनकी इनकम भी थोड़ा सा बढ़ेगी। तो डॉक्टर भी इनकी मदद करें, बाकी इनका पति सुधर जाए, और पुलिस भी थोड़ा सा सतर्क रहे। अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो इनका कहना है वो पति ही जिम्मेदार होगा। तो एक बार उसको वार्निंग जानी चाहिए कि इनको परेशान करना छोड़ दे। और कोई मांग है मैडम? सर मैं सिर्फ यही मांग करती हूँ, अगर सुधरना चाहता है तो प्लीज मेरे बच्चे की ना जिंदगी खराब करे। वो जैसे कहेगा मैं वैसे रहने लगूंगी, लेकिन यहाँ से मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, गांव में मेरी जान को पूरा पूरा खतरा है। गांव में नहीं रहेंगी, यहाँ पर जॉब करेगी, क्योंकि वहीं से इनकी इनकम आ रही है, वहीं से इनका घर चल रहा है, क्योंकि पेट पालना भी जरूरी है। तो वहाँ कंपनी से ईमानदारी से काम करती हैं और जो इनकम होती है उसी से घर चलाती हैं। अब बच्चा आ जाएगा, पति आ जाएगा यहाँ पर, तो जो भी इनकम होगी उसी से तीनों का काम चलेगा। मैं ये भी नहीं कह रही तू बच्चा यहाँ ला, मेरी सास को दिक्कत दो, सिर्फ बच्चे का एडमिशन दोबारा कराया जाए प्राइवेट स्कूल में। अच्छा वो एडमिशन नहीं हुआ है? नहीं, उसका एडमिशन भी खत्म करवा दिया स्कूल से। मेंटली बहुत परेशान है, क्योंकि बच्चे से बहुत अटैच्ड है, और ये चाहती हैं बच्चे को एडमिशन कराएं, पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। अगर बच्चा बड़ा हो गया, देने के लिए तैयार हूं, पूरा खर्चा भी देने को तैयार है। बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो वो सबका खर्चा वो खुद ही निकाल लेगा आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों इनकी मदद होनी चाहिए। वीडियो थोड़ा सा शेयर भी कर दें, ताकि आगे से कोई भी पति इस तरह से अपनी पत्नी को परेशान ना करे। और जिस तरह ये रो रही हैं, परेशान हैं, अपना दुख व्यक्त कर रही हैं,
अपने इमोशंस दिखा रही हैं, तो पति को समझ ना जाना चाहिए कि ये कितनी सच्ची हैं। कोई गलत होता, अगर गलत रास्ते पे होता, तो इस तरह से वो रोता नहीं, उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती, भाई जा तू, मेरा तो काम वैसे ही चल रहा है। लेकिन ये सच्ची हैं, इसी वजह से ये रो रही हैं, इसी वजह से ये दुखी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हाँ। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया जाए स्कूल में, चाहे बेशक मेरी सास रखना चाहती है रखे, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। बस जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा ये देने को भी तैयार है। तो बच्चे का एडमिशन करा दें, उसको पढ़ाएं, और इनसे खर्चा हर महीने बता दें, भाई 2,000-3,000 कितना खर्चा है, वो हर महीने देने को तैयार है। बस बच्चे को पढ़ाएं और बात कराते रहें, जैसे खर्चा लेना चाहते हैं मैं दे दूं, बस मेरे बच्चे की जिंदगी खराब ना करेंगे। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, हो सकता है आपका काम हो जाए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।